दो जुलाई की तारीख पाकिस्तान को टीस देती है, सालती है। शायद इस वजह से कहते हैं कि पाकिस्तानी कैलेंडर में 2 जुलाई की तारीख कभी नहीं आती। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था, उससे चंद महीने पहले यानी दिसंबर 1971 में भारत के हाथों पाकिस्तान बुरी तरह हार चुका था और उसके 90,000 सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। जान बचाने के लिए उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा था। 1971 का ये युद्ध सबसे कम दिनों चलने वाला युद्ध माना जाता है। सिर्फ 13 दिनों में ही भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह पराजित कर दिया था। लेकिन इस युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972 को कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान इस युद्ध के गम को आज तक नहीं भूल पाता है। वो इस तारीख को याद करते ही सदमे में जैसे चला जाता है। एक एक करके हम आपको बताएंगे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले आपको 3 किरदारों के बारे में समझना होगा। ये 3 किरदार इस पूरी कहानी के प्रमुख पात्र हैं। सबसे पहले शेख मुजीबुर रहमान, दूसरे नंबर पर जुल्फिकार अली भुट्टो और तीसरे नंबर पर याहिया खान। शेख मुजीबुर रहमान, जिनका वर्चस्व, जिनका वजूद पूर्वी पाकिस्तान पर नज़र आता था साल 1970 में। जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान पर इनका वजूद नज़र आता था, और याहिया खान साल 1970 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति हुआ करते थे। इन 3 किरदारों के आसपास ये पूरी कहानी घूमती है। साल 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए। इस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान में बहुत बड़ी जीत हासिल हुई थी शेख मुजीबुर रहमान को। 162 में से 160 सीटों पर उनकी पार्टी जीत गई थी। जबकि इसी चुनाव में पश्चिमी पाकिस्तान में जो सीटें थी, तकरीबन 138 में से 81 सीटों पर जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो खुद को पश्चिमी पाकिस्तान की अकेली पार्टी बता रहे थे, अकेला नेता बता रहे थे, जिसकी वजह से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संघर्ष शुरू हुआ। वो पाकिस्तान पर राज करना चाहते थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान को यह गवारा नहीं था। इसी बात पर पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में संघर्ष शुरू हुआ। तत्कालीन राष्ट्रपति याहिया खान ने जब देखा कि कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है, हालांकि बहुमत शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी के साथ था, लेकिन सेना और उस वक्त के राष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है कि वो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ खड़े थे। जब तत्कालीन राष्ट्रपति याहिया खान ने देखा कि शेख मुजीबुर रहमान पश्चिम पाकिस्तान पर भारी पड़ रहे हैं और उनकी सरकार बन सकती है, तब उन्होंने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया और ऐसे में पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसी वजह से ठीक कुछ ही दिनों बाद शेख मुजीबुर रहमान अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरना पर बैठ गए। उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी और इसका नतीजा ये था कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान का संघर्ष और गहरा हो गया। सेना, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान के साथ यानी जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ खड़ी थी, उसने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर हमला कर दिया। पाकिस्तान की एक कमिटी की रिपोर्ट ये बताती है कि इस दौरान तकरीबन 26,000 लोग पूर्वी पाकिस्तान के मारे गए थे। सेना ने उन्हें मार डाला था। कहा जाता है कि सेना ने जिस तरह से क्रूर हमला किया पूर्वी पाकिस्तान पर, इसके बाद वहां रेप, हत्या की घटनाएं बढ़ गई। सेना इन घटनाओं को अंजाम देती थी। तकरीबन 1 करोड़ पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारत में शरणार्थी बनकर आ गए और भारत में ही रहने लगे। हालांकि भारत ने अभी तक पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की इस लड़ाई में दखलंदाजी नहीं की थी, लेकिन पाकिस्तान लगातार भारत को उकसा रहा था और इसी वजह से एक तारीख ऐसी भी आई, 3 दिसंबर 1971 की तारीख, जब पाकिस्तान ने पश्चिमी एयरफील्ड्स पर, भारत के पश्चिमी एयरफील्ड्स पर हमले शुरू कर दिए। ठीक एक दिन बाद 4 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की आधिकारिक घोषणा कर दी और सिर्फ 13 दिनों में भारतीय सेना ने जल थल नभ से इतने हमले किए कि पाकिस्तान की हवा निकल गई।
पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को भारत के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था, हथियार डालने पड़े थे। इतिहास में सबसे कम दिनों तक चलने वाला युद्ध इसे ही कहा जाता है। भारत पूर्वी पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ और ऐसे में बांग्लादेश का उदय हुआ। बांग्लादेश के उदय होने के बाद कुछ ही महीनों बाद 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक समझौता हुआ और इस समझौते पर जो तत्कालीन पाकिस्तानी नेता थे जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। समझौते की खास बातें क्या क्या थी ये भी आपको हम बता देते हैं। इस समझौते के तहत तय हुआ कि शांतिपूर्ण समाधान के लिए दोनों देश सीधी बातचीत करेंगे, कोई मध्यस्थता नहीं करेगा या कोई तीसरा पक्ष इनके बीच नहीं आएगा। ये भी तय हुआ कि दोनों देशों के बीच आवागमन की सुविधाएं स्थापित की जा सकेंगी जिससे रिश्ते सुधर सके। दोनों देशों के बीच तय हुआ कि व्यापार और आर्थिक सहयोग भी स्थापित किए जाएंगे। स्थायी शांति बहाली के लिए दोनों सरकारों ने सहमति जताई थी। भारत और पाकिस्तान दोनों की सेनाएं अपने अपने प्रदेश इस समझौते के बाद वापस चली जाएंगी ये भी तय हुआ था। दोनों देशों ने 17 सितंबर 1971 की युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा के तौर पर मान्यता दी थी और तय हुआ था कि 20 दिनों के भीतर ही जो अपने अपने देश की सेनाएं हैं वो वापस लौट जाएंगी। तय ये भी हुआ था कि दोनों राष्ट्रों के अध्यक्ष आपस में मिलते रहेंगे जिससे जो मनमुटाव या खटास की स्थिति कभी भी पैदा हो तो इसे बैठकर सुलझाया जा सके। यहां तक कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर बड़ी जीत हासिल करने के बाद भारत ने जिस जमीन पर कब्जा किया था उसे वो पाकिस्तान को उसने लौटा दिया इसी समझौते के तहत। शायद इसी वजह से 2 जुलाई 1972 की वो याद आज तक पाकिस्तान नहीं भूल पाया है। कहा इसलिए जाता है कि 2 जुलाई की तारीख पाकिस्तानियों के लिए या पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए या पूरे पाकिस्तान के लिए कभी नहीं आती, क्योंकि वो जानते हैं कि जब भी 2 जुलाई का जिक्र होगा वो पुरानी यादें उनके जहन में ताज़ा हो जाएंगी। किस तरह भारत से उन्हें पटखनी मिली थी, किस तरह भारत के खिलाफ आंखें उठाने की उन्हें सजा मिली थी।